दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप आरसी पार्टिकुलर कैसे ऑनलाइन ही प्रिंट कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको आरटीओ जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस में दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आरसी पार्टिकुलर डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने किसी भी क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है परिवहन। जैसे ही आप यहाँ पे परिवहन सर्च कर लेंगे, उसके बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आपको दिख रही है parivahan.gov.in, आपको इसी वेबसाइट पर आ जाना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अगला डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का ओपन होता हुआ आपको दिखाई देगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑनलाइन सर्विस का। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है व्हीकल रिलेटेड सर्विस पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके अपने स्टेट के नेम को ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा और अपने स्टेट के नेम के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, आप अपने स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो कि इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में आ जाना है। यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना व्हीकल नंबर टाइप कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना व्हीकल नंबर टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके व्हीकल से रिलेटेड सारी सर्विसेज ओपन हो जाएंगी, जो कि कुछ इस तरीके का आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना आरसी पार्टिकुलर निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे ही एक ऑप्शन है आरसी पार्टिकुलर का, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप यहाँ पे पहले अपना मोबाइल नंबर जरूर अपडेट कर लीजिएगा, आरसी में लिंक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा मेरा मोबाइल नंबर ऐड है या फिर लिंक है, तो आपको यहाँ पर आ जाना है। मैं आपको लास्ट प्रोसेस में बता दूंगा आपको अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करना है। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे आरसी पार्टिकुलर के ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे अपने आरसी पार्टिकुलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगला डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे लास्ट का 5 अंक अपनी गाड़ी का 46 नंबर टाइप कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपना लास्ट 5 अंक 46 नंबर टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे वेरीफाइड डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लास्ट का 4 अंक देख सकते हैं, जो कि 3081, इसका मतलब इसी पर एक ओटीपी जाएगा। अगर आपको दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर नहीं है, तो आपको पहले वाले ऑप्शन में मैंने बता दिया था कि मोबाइल नंबर अपडेट करना है। आपको मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करना है वीडियो के लास्ट में मैं जरूर बता दूंगा। दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्ट ओटीपी भेजने के लिए जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देता हूँ। इस पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके मोबाइल पर एक 4 अंक का ओटीपी चला जाएगा। इससे पहले आपको इसको क्लोज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल पर 4 अंक का ओटीपी चला गया होगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सब कुछ एकदम लाइव प्रोसेस में ही दिखा दे रहा हूँ। इसके लिए ओटीपी टाइप करके डायरेक्ट आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप यहाँ पे जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फो डिस्क्लेमर, इसको आप यहाँ पे क्लोज कर लेना है। यहाँ पे आपको क्लोज का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं व्हीकल से रिलेटेड, जैसे कि ओनर इन्फॉर्मेशन। उसके नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे ₹200 का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, तभी आप यहाँ पे अपना आरसी पार्टिकुलर डाउनलोड या फिर प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ₹200 का पेमेंट करके आपको लाइव प्रोसेस दिखा देता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक बार कंफर्म के पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे दोस्तों कंफर्म पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे SBI मल्टी बैंक डिपॉजिट के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगला डैशबोर्ड इस तरीके का ओपन हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप यहाँ पे SBI के नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो पहला ही ऑप्शन है। अगर आप ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। मेरा अदर बैंक का डेबिट कार्ड है, यानी कि आपका स्टेट का नहीं है, तो आप यहाँ पे अपना अदर बैंक डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, आपको 2 बार कन्फर्म यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना ATM कार्ड की डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा। तो सबसे पहले वाले बॉक्स में आप अपना यहाँ पे अपना ATM कार्ड नंबर टाइप कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप अपना ATM कार्ड की सारी डिटेल्स टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट करके लास्ट प्रोसेस दिखा देता हूँ। दोस्तों आप जैसे ही पेमेंट कम्प्लीट कर लेंगे, आपका कुछ इस तरीके का पेमेंट का डैशबोर्ड आ जाएगा, जो की आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद ₹200 का आप यहाँ पे डायरेक्ट टोटल पेमेंट अमाउंट देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपका कहीं से भी पेमेंट फेल हो जाता है तो मैं आपको ये भी बता दूं, इसके लिए सबसे पहले आपको व्हीकल के होम पेज पे आ जाना है। सबसे पहले गूगल पे मैं सर्च कर लेता हूँ परिवहन। उसके बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया, जो कि वाहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लेना है।
उसके बाद डायरेक्ट अपने पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एक बार जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगला डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का ओपन होता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों स्टेटस के पेज पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा होगा रीवेरीफाई पेमेंट ट्रांजेक्शन, इस पर क्लिक करके अपना रीवेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों आपको यहाँ पे रसीद डाउनलोड करना है तो आप प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे आकर अपना रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे ही आ जाता हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, अब आपको यहाँ पे आरसी पर्टिकुलर प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे नीचे ही ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट आरसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। इससे पहले अगर आप यहाँ पे पेमेंट रसीद डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे अपना आरसी पर्टिकुलर प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ, इसलिए आरसी प्रिंट पर्टिकुलर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे सेव ऑप्शन आ जाएगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं चलिए दोस्तों प्रिंट पर्टिकुलर आरसी पे क्लिक किया, उसके बाद मेरा नया डैशबोर्ड में ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ओपन भी हो चुका। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे अपना प्रिंट आरसी पर्टिकुलर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर आपको कैसे अपडेट कर लेना है, इसलिए वाहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन दिखाई देगा मोबाइल नंबर अपडेट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, अपडेट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे यस कर लेना है। यस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपके बॉक्स में यहाँ पे सबसे जो पहला बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल चेसिस नंबर टाइप कर लेना है। उसके बाद दाहिने तरफ फुल इंजन नंबर टाइप करना है। उसके लेफ्ट साइड में अपना रजिस्ट्रेशन डेट टाइप कर लेना है। उसके बाद आपका फिटनेस कब तक है उसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट यहाँ पे आप अपना शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे सिर्फ गाड़ी नंबर से पूरा डिटेल्स फाइंड करना चाहते हैं या फिर अलग से मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करना चाहते हैं या फिर कैसे करते हैं, उसके साथ साथ एक अलग से मेरी वीडियो और है, आप सिर्फ गाड़ी नंबर से पूरी डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे अपना आरसी पर्टिकुलर प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिए और साथ ही में चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।